दोस्तों, एसएससी सीजीएल 2017 टीयर वन का जो पेपर अभी हो रहा है, एग्ज़ाम चल रहा है, इसका जो सभी शिफ्ट का जो लेवल है एग्ज़ाम का, ठीक है, पेपर का जो लेवल है वो सही नहीं जा रहा है मेरे हिसाब से। अगर आप इस बात से सहमत हैं तो आप इस वीडियो को देखते रहिए, नहीं तो आप यहाँ से स्किप कर सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैं कहूँगा कि जो जो इस वीडियो को देख रहे हो तो पूरा देखो, ठीक है। आपके फिर नीचे जितने चाहे गालियाँ लिखो, कोई बात नहीं, ठीक है, वो सब सुनने के लिए मैं तैयार हूँ, लेकिन आप पूरा वीडियो तो पूरा वीडियो सुन के जाओ। तो इस बार जो हुआ है कि सभी शिफ्ट का पेपर हार्ड नहीं आ रहा है, ठीक है, कुछ कुछ का मिडिल मिडिल से क्या हो रहा है कि बहुत सारे इजी इजी पेपर जा रहा है, तो ऐसा ठीक नहीं है। अगर वो लोग हार्ड करते हैं तो ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, एसएससी हार्ड करना चाहते हैं तो ठीक है, लेकिन उनका सभी शिफ्ट का, मतलब जो भी होता है कि 47 जो शिफ्ट हो रहा है वो सभी हार्ड रखे, सभी ठीक ठाक, मतलब लेवल ऐसा हो रहा है कि ऊंच नीच, मतलब 19-20 रहे तो ठीक है, लेकिन उससे भी ऊपर जा रहा है, ठीक है, ऊपर नीच हो रहा है, मतलब बिग डिफरेंस, ह्यूज डिफरेंस आर देयर। पर आप सोच के देखो, अगर आपके साथ ऐसा नहीं हुआ है, आप एक बार सोच के देखो, जो जो लोग पेपर देने जा रहे हैं, जो लोग साल भर मेहनत किए हैं, उनका अगर लक के ऊपर डिपेंड हो जाए, मतलब इतना सब कुछ करने के बाद, सब मतलब ठीक तरह से मेहनत की, लेकिन उनका लक के ऊपर डिपेंड है कि वो लोग वो इस बार 80 से ऊपर अटेम्प्ट करता है या फिर नहीं, मतलब 60 से नीचे भी हो सकता है। वो किसके ऊपर डिपेंड करता है ना, करना लक के ऊपर डिपेंड करता है, इतना पढ़ने के बाद भी। तो ये तो ठीक नहीं है ना, ये इट्स नॉट फेयर, ये सही नहीं है। तो इसके लिए जो चीज़ करना है वो है नॉर्मलाइजेशन। अगर नॉर्मलाइजेशन करता है तो ठीक है, नहीं तो मतलब ये बात, हम अगर जो लोग चाहते हैं नॉर्मलाइजेशन, वो जो लोग मेरे इस बात से सहमत है, चुपचाप बैठने से कुछ नहीं होगा, ठीक है, हम लोगों ही कुछ करना होगा। तो वो क्या की चीज़ करना होगा वही मैं इस वीडियो में आपको बताऊंगा, ठीक है। तो चलिए, इस अगर आप एसएससी को अभियोग करना चाहते हैं, एसएससी को रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि वो नॉर्मलाइजेशन करे, तो उसके लिए आपको क्या करना होगा कि आपको pgportal.gov.in इस वेबसाइट को खोलना होगा अपने ब्राउज़र पे। अब खोलने के बाद क्या करना होगा कि आपको यहाँ पे देखिए, जो प्लीज़ लॉज योर ग्रेविनेंस हेयर, इस पर क्लिक करना होगा। क्लिक करिए। अब क्लिक करने के बाद देखिए, यहाँ पे लिखा हुआ है कि पब्लिक ग्रीवेंस, तो इस रेडियो बटन को सेलेक्ट करें। उसके बाद नीचे आइए, स्क्रॉल करके नीचे आने के बाद आई एग्री, यहाँ पे जो चेक वाला साइन है, चेक बॉक्स है, यहाँ पे चेक बॉक्स कर दीजिए, चेक दे दीजिए। उसके बाद सबमिट बटन पे क्लिक कर दीजिए, उसके बाद ये खुल जाएगा, ठीक है। आपको यहाँ पे क्या करना होगा, यहाँ पे जो सिलेक्ट, मतलब सिलेक्ट मिनिस्ट्री और डिपार्टमेंट है, यहाँ पे आपको करना होगा कि पर्सनल एंड ट्रेनिंग डिपार्टमेंट, ये सिलेक्ट करना होगा। उसके बाद यहाँ पे जो कैटेगरी है, इससे सिलेक्ट करना होगा सीजीएल एग्जाम रिलेटेड इशू, ठीक है। अब उसके बाद आपका नाम दीजिए, नाम के बाद एड्रेस दीजिए, पिन कोड दीजिए, ये सब चीज़ ठीक है आपको डालना होगा। पिन कोड, कंट्री, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, फ़ोन नंबर, आपका मोबाइल नंबर, अब उसके बाद आपका ईमेल आईडी, आपने जिस ईमेल आईडी और फ़ोन नंबर अपने एसएससी सीजीएल का रजिस्ट्रेशन करने वक्त दिया था, उसको ही दीजिए तो अच्छा रहेगा, नहीं तो आप और भी दे सकते हैं, आपके खुद का मर्जी। और उसके बाद आप जो लिखना चाहते हैं वो आप यहाँ पे लिख दीजिए कि नॉर्मलाइजेशन मुझे चाहिए। अगर कुछ लोग ऐसा है कि उन लोगों को मतलब समझ में नहीं आ रहा है कि क्या लिखूं, तो मैंने जो लिखा है, ठीक है, मैंने ये लिखा है, तो आप इसको पॉज करके एक बार आप खाते पे नोट कर लीजिए, और उसके बाद यहाँ पे लिख के दे दीजिए, ठीक है। देने के बाद अगर आप कोई डेट, मतलब आपको किस डेट से परेशानी है, अगर डेट देना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो ये छोड़ दीजिए। छोड़ने के बाद यहाँ पे इमेज को देना होगा, देने के बाद इसे सबमिट कर देना होगा। तो चलिए मैं करता हूँ, आप देखिए। अब करने के बाद ये रजिस्ट्रेशन नंबर आ जाएगा, ठीक है, ये नंबर आप नोट कर सकते हैं, ठीक है। नोट करने के बाद अगर आपको इसे स्टेटस चेक करना है, तो यहाँ पे जो व्यू स्टेटस है, ठीक है, इसे खोलिए, ठीक है। आपका जो आपके पास जो रजिस्ट्रेशन नंबर है ये आप दे सकते हैं, देने के बाद यहाँ पे देना होगा और फिर सबमिट करना होगा। तो आपका जो स्टेटस है, मतलब उन लोगों तक पहुँचा है कि नहीं, वो लोग क्या जवाब देते हैं, ठीक है, तो आ जाएगा। या फिर आपके पास आपने जो ईमेल आईडी या फिर मोबाइल नंबर प्रोवाइड किए, वहाँ पर आ सकता है। अगर ज़्यादा से ज़्यादा लोग ये अपील करते हैं तो उन लोगों को ये सोचना ही पड़ेगा। देखते हैं क्या क्या होता है। आप लोगों ने इतना मुझे समय दिया, धन्यवाद।